जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री बाबा महाकाल। आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी बायोकेमिक मेडिसिन होती हैं, उनका क्या कार्य क्षेत्र होता है और वो कौन कौन सी बीमारियों में कहां कहां पर वो हम उनको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली 12 मेडिसिन बायोकेमिक होती हैं जो होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम करती हैं। कोई भी मेडिसिन अगर आपको होम्योपैथी की नहीं समझ में आ रही है तो फिर बायोकेमिक से आपको सिर्फ 12 मेडिसिन से आपको काफी बीमारी में आपको आराम मिल जाता है। तो बायोकेमिक साल्ट जो है उसमें काली ग्रुप, नेटम ग्रुप, कैल्केरिया ग्रुप और फेरम साइलेसिया और मैकफास, ये मेडिसिन बायोकेमिक साल्ट में आते हैं। तो पहली बायोकेमिक साल्ट है कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया फ्लोरिका। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र होता है कनेक्टिव टिश्यू में, टूथ इनेमल, बोन सरफेस पे, ब्लड वेसल्स पे, वाल पे, त्वचा में और इलास्टिक फाइबर्स में इसका कार्य क्षेत्र होता है। कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं? दांतों की कमी में, ड्राई स्किन में, वेन्स स्नायु में, पाइल्स की परेशानी में और पेट में गैस बनने में भी हम इसका कैल्केरिया फ्लोर का यूज कर सकते हैं। दूसरी दवा जो होती है वो कैल्शियम फास्फेट कैल्केरिया फास्फोरिका बोलते हैं। इसका कार्य क्षेत्र मुख्यतः हड्डियां, नसें, एल्ब्यूमिन, जूस पे वगैरह इसका कार्य क्षेत्र होता है। ये लक्षण इसमें हड्डी की गड़बड़ी के कारण, अपच होने के कारण, दांत निकलते समय की परेशानियां, कुपोषण के समय और रक्त संचार, हाथ और पैरों का ठंडा हो जाने के समय हम कैल्केरिया फास्ट मेडिसिन का उपयोग करते हैं। कैल्केरिया ग्रुप की तीसरी मेडिसिन है कैल्केरिया सल्फ्यूरिका, कैल्शियम सल्फेट। इसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो लीवर है, रक्त है, बाइल है और एपिथीलियम ऊपर सेल्स पे इसका कार्य क्षेत्र होता है। और इसमें कौन कौन से दिक्कतों में हम इसका यूज कर सकते हैं? स्किन डिजीज में है, कहीं फोड़ा है, कील मुहासे एक्नी वगैरह निकल रहे हैं, एक्जिमा है, कमजोर मसूड़े हो गए हैं, रक्त जिसमें से आसानी से निकलता है, ऐसी जगह पर हम कैल्केरिया सल्फ का यूज करते हैं। अगली चौथी नंबर पे हमारा साल्ट आता है बायोकेमिक का फेरम फास। फेरम फास होता है, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र हीमोग्लोबिन पे होता है। एनीमिया के समय, बुखार के समय, जलन और सूजन के समय हम इसका फेरम फास का यूज कर सकते हैं, करते हैं। आगे का ग्रुप जो है वो काली ग्रुप है, काली म्यूर है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र मस्तिष्क, मांसपेशियां, स्नायु ऊतक, नर्वस सिस्टम, खून टिश्यू के बीच की जगह पर इसका मेन कार्य होता है। कौन कौन से लक्षण के समय हम काली म्यूर का उपयोग कर सकते हैं? अगर आपको नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सिर भारी लग रहा है, आपको लरिंजाइटिस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, भोजन खाने के बाद अगर आपको खाना तकलीफ होती है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो काली म्यूर का उपयोग कर सकते हैं। काली फास जिसमें पोटेशियम फास्फेट होता है, काली फास में इसका मुख्य कार्य क्षेत्र हमारा मस्तिष्क, मांसपेशी, स्नायु, प्लाज्मा, रक्त कण, इंटरसेल्युलर सेल्स, तरल लिक्विड पदार्थ होते हैं इनका मुख्य कार्य क्षेत्र। और कौन कौन से सिम्टम्स के समय, कौन कौन से लक्षण के समय हम इनका काली फास का यूज कर सकते हैं? नर्वस एंग्जायटी में, मानसिक मेंटल टायर्डनेस थकान में, डिप्रेशन में, इंसोमनिया में, मांसपेशी व स्नायु कमजोरी में, अपचन में हम काली फास का उपयोग कर सकते हैं। काली ग्रुप की अगली साल्ट है काली सल्फ, पोटेशियम सल्फेट। इसका कार्य क्षेत्र मांसपेशी, स्नायु, रक्त सीरम तथा म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सेल्स और इंटरसेलुलर लिक्विड फ्लूइड के बीच में ये उपयोग करती है। इसके कौन कौन से लक्षणों में हम काली सल्फ का उपयोग कर सकते हैं? एक्जिमा में, डैंड्रफ में, खुजली होने में, पपड़ीदार घाव में तथा स्थान परिवर्तन दर्द में। कहीं अगर पेन आपको शिफ्ट हो रहा है तब हम कल पोटेशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। आठवा जो है वो हमारा साल्ट मैग्नीशियम फास होता है, मैक फास होता है। इसका कार्य क्षेत्र मांसपेशी, स्नायु, रक्त, मस्तिष्क, हड्डी और दंत, डेंटल कैरीज वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। और इसके लक्षण कहाँ पे जकड़न और दर्द हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, न्यूरोलॉजिक पेन हो रहा हो, डिस्मिनोरिया, मासिक स्राव में, उधर कोलिक पेन में, शूटिंग, बोरिंग और ऐठनिक दर्द में हम इसका मैक फास का उपयोग करते हैं। नवा हमारा बायोकेमिक साल्ट होता है नेट्रम म्यूर, मतलब सोडियम क्लोराइड, आप सब लोग जानते हैं, नमक। इसका सभी
शारीरिक ऊतकों में फ्लूड में विद्यमान रहता है। इसका लक्षण सर्दी, नाक से पानी बहना, गंध और स्वाद संवेदना का कम हो जाना, सूखे कड़े मल के साथ कब्ज होना, आस डायरिया होना, कब्ज के साथ डायरिया होना, उस समय हम नेट्रमयूर का उपयोग करते हैं। दसवां हमारा बायोकेमिकल साल्ट होता है नेट्रम फास सोडियम फास्फेट। इसका मेक मुख्य कार्य क्षेत्र होता है मांसपेशी में, स्नायु में, रक्त तथा मस्तिष्क ऊतक, इंटरसेलुलर फ्लूइड में इसका कार्य क्षेत्र होता है। और इसमें कौन कौन से लक्षण में हम इसका कर सकते हैं, मेनली पेट संबंधी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम में, एसिडिटी में, हृदय हृदय बर्निंग में, हार्ट बर्न में, अगर आपको एसिडिटी ज्यादा बर्न नहीं है, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद में खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सुस्ती महसूस हो रही है, सिर भारी लग रहा है, तो आप इसको नेट्रम फास का यूज कर सकते हैं। अगली 11वां नंबर पे जो हमारा साल्ट आता है वो नेट्रम सल्फ्यूरिकम सोडियम सल्फेट होता है। वह इंटरसेलुलर फ्लूइड में उसका कार्य क्षेत्र होता है। और इसके लक्षण बेसिकली जो है पेशाब या पानी निकलने में रुकावट होती है, कहीं पैरों में सूजन आ जाती है, बुखार होता है, लक्षण होता है, एक प्रकार का अपचन, एसिडिटी में, डाइजेशन प्रॉब्लम में भी हम इसका नेट्रम सल्फ का यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट और आखिरी हमारा बायोकेमिकल साल्ट होता है साइलिसिया सिलिका जिसको कहते हैं। उसका सबसे अच्छा कार्य क्षेत्र हमारा नाखून होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हड्डी, रक्त, बाइल, स्किन, बाल, नर्वस आवरण, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह में इसका कार्य क्षेत्र होता है। और कौन से लक्षण की जगह पे हम इनका उपयोग कर सकते हैं, तो भोजन का खराब अपचन, ऊतकों और उनका असामान्य वितरण, मुहासे, कमजोर नाखून, कमजोर स्मृति, बदबूदार पसीना आने में हम लोग साइलिसिया का यूज कर सकते हैं। अब कैसे ही आपको लेना है, इसके लिए 3x या 6x पावर की मेडिसिन लेकर के 6 गोली दिन में 4 बार आप गर्म पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ में ले लीजिएगा या मुंह में से चूस लीजिएगा। आपको 3 से 4 बार तक लेना है ये बायोकेमिकल साल्ट। जो आपकी लक्षण है उसमें जो कमजोरियां होती हैं, आपके साल्ट बॉडी में कम होते हैं, तो इनके लिए वो 12 साल्ट है, तो 12 साल्टों के जिसको लक्षण आपको लगे वो आप साल्ट जो है बेसिकली यूज कर सकते हैं। अगर बायोकेमिक से संबंधित साल्ट वाला ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ऐसे टाइम टाइम पे जब भी हम कोई होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आप तक पूरी जानकारी मिल जाए। नमस्कार।